सॉइल में पोटेशियम किस तरह से अवेलेबल होता है, पोटेशियम का फिक्सेशन जो है वो सॉइल में किस तरह से होता है, साथ में हम देखते हैं कि क्यू आई रिलेशन ऑफ पोटेशियम ये क्या चीज़ होती है, क्यू आई रिलेशन यानी क्वांटिटी और इंटेंसिटी रेशो जो होता है वो क्या चीज़ है, साथ में वीट्स इफेक्ट और लैटिस होल थ्योरी, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज, मेरा नाम है दिवाकर खेत्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेशियम पूल्स इन सॉइल के बारे में, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पोटेशियम सॉइल में किस तरह से अवेलेबल होता है, इसे जानने की अगर हम कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि पोटेशियम सॉइल में चार तरह से अवेलेबल होता है, चार तरह से। पहली टाइप जो हम देख रहे हैं वो है इन सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन मतलब होता है सॉइल का जो वाटर है, सॉइल के वाटर के अंदर जो पोटेशियम अवेलेबल है वो डायरेक्टली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है। मतलब अगर सॉइल सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को अवेलेबल होता है। ये जो परसेंटेज है इसे आप ज़रूर याद रखें, ये जो मैंने रेड कलर से जितने भी परसेंटेज लिखे हैं वो एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं 0.1 से 0.2% तक पोटेशियम अवेलेबल होता है। दूसरी बात हम देखते हैं एक्सचेंजेबल पोटेशियम। दूसरा टाइप क्या है? एक्सचेंजेबल पोटेशियम। एक्सचेंजेबल पोटेशियम का मतलब ये है कि जो सॉइल कोलॉइड्स होते हैं उसके ऊपर दूसरे कैट आयंस इस पोटेशियम को एक्सचेंज कर देंगे, तो ये पोटेशियम प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएगा। क्या कहा मैंने? पहला जो टाइप था वो सॉइल सॉल्यूशन है, यानी जो सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल है उसमें घुला हुआ सॉल्यूबल फॉर्म में है हमारा पोटेशियम, वो प्लांट को डायरेक्टली अवेलेबल है। साथ में एक और फॉर्म है जो पोटेशियम की प्लांट्स को डायरेक्टली अवेलेबल हो सकती है, वो कौन सी है? तो वो हम देख रहे हैं एक्सचेंजेबल पोटेशियम। एक्सचेंजेबल पोटेशियम के अंदर मैंने ये कहा कि सॉइल कोलॉइड्स हैं तो उसके ऊपर कोई दूसरा कैटायन उसे एक्सचेंज करता है, तो उसका एक्सचेंज होने से पोटेशियम रिलीज हो सकता है और प्लांट उसे ले सकता है। तो ये एक्सचेंजेबल और सॉइल सॉल्यूशन दोनों ही वास्तव में फॉर्म्स प्लांट को अवेलेबल होती हैं। तीसरा हम कह रहे हैं नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम। नॉन एक्सचेंजेबल जो एक्सचेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फिक्स हुआ है। फिक्स किस में हो चुका है? तो हम याद रखते हैं ये है सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर। सेकेंडरी मिनरल्स याद हैं आपको क्या होते हैं? प्राइमरी मिनरल्स की विदरिंग से ही या प्राइमरी मिनरल्स के अल्टरनेशन से ही जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। तो उन सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर जनरली हम याद रखते हैं क्ले मिनरल्स को। क्ले मिनरल्स के अंदर हम देखते हैं फिक्स हुआ हुआ है अगर पोटेशियम, तो उसे हम कह सकते हैं वो प्लांट अवेलेबल नहीं कर पाएगा, यानी प्लांट उसे अपटेक नहीं कर पाएगा, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम। ओके, आप मैं होप कर रहा हूँ इन सारे परसेंटेज को याद करते जा रहे हैं कि सॉइल सॉल्यूशन में 0.1 से 0.2% है, एक्सचेंजेबल का परसेंटेज 1 से 2% है, और साथ में नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म ऑफ पोटेशियम जो है वो कितनी है, तो हम देख रहे हैं 1 to 10% होती है। ठीक है, तो ये सब इतना कम अवेलेबल है, है ना। और हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो 90 to 98% तक जा रहा है वो कौन सी फॉर्म है, तो वो हम देख रहे हैं पोटेशियम इन लैटिस ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स जो होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स मतलब कौन से? जो रॉक्स के अंदर हैं एग्जैक्टली, है ना, ये मिनरल्स ही मिलके रॉक्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फेल्सपार, माइका, ऐसे जो अलग अलग तरह के हम देख सकते हैं मिनरल्स होते हैं, उनके कंपोजिशन में ही पोटेशियम अवेलेबल है। ये इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है कि प्लांट इसका अपटेक नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्म जो है वो प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो हमने दो टाइप्स या हमने देखे दो फॉर्म्स पड़ी हैं पोटेशियम की, उसे प्लांट अपटेक कर सकता है, है ना। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जाना कि पोटेशियम के चार पूल्स क्या हैं, उसके अंदर हमने ये जाना कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जो है पोटेशियम का वो किस फॉर्म में है, तो हम देख रहे हैं प्राइमरी मिनरल्स के फॉर्म में। ये प्राइमरी मिनरल्स वाली फॉर्म ही विदरिंग, उसकी जो विदरिंग होगी जो कि बेहद वास्तव में स्लो प्रोसेस है, इस विदरिंग से हम देखते हैं नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम मिलेगा, और उससे हम देख सकते हैं नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम जो है फिर बाद में और कुछ लंबे वक्त के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगा, और एक्सचेंजेबल फॉर्म और साथ में सॉइल सॉल्यूशन के साथ वो प्लांट को अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना पोटेशियम पूल्स के बारे में। अभी मैंने आपको जो बात बताई कि नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम जो सेकेंडरी मिनरल्स में फिक्स हुआ हुआ है, तो हमने बात कर ली वास्तव में पोटेशियम फिक्सेशन की। किसकी? पोटेशियम फिक्सेशन की। देखिए, पोटेशियम फिक्सेशन जो है वो एक हम आयन के साथ याद रखते हैं जो कि है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का मतलब समझते हैं आप NH4+, है ना। तो NH4+ जो है उसका साइज और पोटेशियम आयन का साइज लगभग बराबर होता है, तो इस बात को आप याद रखें कि पोटेशियम फिक्सेशन और अमोनियम फिक्सेशन लगभग सेम तरह से समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि पोटेशियम जो है वो प्लांट को जब अवेलेबल ना होने वाले फॉर्म के अंदर बदल जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोटेशियम फिक्सेशन कहेंगे। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने फॉस्फोरस फिक्सेशन के बारे में अच्छे से पिछले वीडियो में बात करी है, और उससे पहले वीडियोस के अंदर हमने नाइट्रोजन के बारे में अच्छे से बातें करी हैं। तो खैर, अभी अगर हम फोकस करें पोटेशियम फिक्सेशन के बारे में, तो मैंने आपको ये बताया कि पोटेशियम की अवेलेबल फॉर्म्स नॉन अवेलेबल फॉर्म्स में बदल गई, तो उसे हमने कह दिया पोटेशियम फिक्सेशन। ये जो पोटेशियम फिक्सेशन है आपको याद रखना है कि तीन साइट के ऊपर होता है, तीन जगह पे हम देख सकते हैं इस तरह का पोटेशियम का फिक्सेशन हो सकता है। तीन जगह, तीन साइट कौन कौन सी हैं?
सेकेंडरी मिनरल्स में, है ना, ये कहाँ बता रहे हैं हम, सेकेंडरी मिनरल्स या हम जिन्हें कहते हैं क्ले मिनरल्स, तो उसके अंदर बात कर रहे हैं। तो क्ले मिनरल्स में एक साइड जिसे हम कहते हैं प्लेनर साइड, प्लेनर यानी ऊपर की सरफेस के रूप में हम याद रखते हैं, ये साइड के ऊपर बहुत वीकली हम देखते हैं पोटेशियम जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो फिक्सेशन है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो आसानी से क्या होते हैं ये बॉन्ड टूट सकते हैं और पोटेशियम आसानी से प्लांट को अवेलेबल हो सकता है। समझ आ रही है आपको बात? तो इसे याद रखेंगे कि प्लेनर साइड जो है वो कहाँ देखी जाती है, तो आप याद करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर और साथ में केओलिनाइट में, याद रखिएगा केओलिनाइट के अंदर पी साइड पे है। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि यहाँ बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, तो ये फिक्सेशन बहुत लल्लू टाइप का फिक्सेशन, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है पोटेशियम, तो आसानी से प्लांट को अवेलेबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ केओलिनाइट के अंदर फिक्सेशन बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेनर टाइप का फिक्सेशन है, और जो कि ना के बराबर मान लेते हैं हम कि ये तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स को, तो ये फिक्सेशन बहुत नेग्लिजिबल है। दूसरी अगर हम देख रहे हैं आई साइट के ऊपर जो फिक्सेशन होता है, आई साइट का मतलब इंटरलेयर साइट, इंटरलेयर साइट का मतलब ये है कि दो लेयर्स के बीच के अंदर, है ना, लेयर्स कौन से मिनरल्स में होती हैं, याद है आपको फाइलोसिलिकेट्स के अंदर, है ना, तो फाइलोसिलिकेट जिन्हें हम शीट सिलिकेट कहते हैं उनके बीच में अगर पोटेशियम फिक्स हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरलेयर पोटेशियम फिक्सेशन कह रहे हैं। तो ये इंटरलेयर का जो फिक्सेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉइल के अंदर, है ना, तो इन तीनों साइड्स के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पोटेशियम का फिक्सेशन किस में होता है, तो अब याद रखेंगे आई साइड पे होता है। तो हैव मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी फॉर पोटेशियम फिक्सेशन, ठीक है, याद रखिएगा, और लार्जली अकाउंट फॉर द पोटेशियम फिक्सेशन, सबसे ज़्यादा फिक्सेशन किस रूप में होता है, तो पोटेशियम फिक्सेशन होता है आई साइड के ऊपर, आई मतलब इंटरलेयर है, राइट। ई साइड, तीसरी साइड कौन सी है, ई साइड, ई का मतलब एजेस है, किनारे जो होते हैं, है ना, तो जो हम देख रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किसका, हम जो देख रहे हैं सेकेंडरी मिनरल का, उसके एज जो हैं, किनारे जो हैं, वहाँ पे अगर पोटेशियम फिक्स्ड है तो उसे ई साइड कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एग्जांपल या इसके रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता हो या आप बुक्स में पढ़ें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, अभी हमने जाना कि तीन साइड्स होती हैं, पी साइड, आई साइड, ई साइड, और उसके अंदर से सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइड है वो आई साइड है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उसे ज़रूर याद रखिएगा। और हम देख रहे हैं पोटेशियम फिक्सेशन जो है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसको बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टाइप ऑफ क्ले मिनरल, कि किस तरह का क्ले मिनरल प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। तो उसमें हम ये याद रखते हैं कि जो वर्मिकुलाइट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब इंटर या हम कह सकते हैं इंटरनल चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तब वर्मिकुलाइट के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अवेलेबल होने से क्या होता है, पोटेशियम का फिक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि वर्मिकुलाइट के अंदर पोटेशियम फिक्सेशन सबसे ज़्यादा होता है, ओके, और उससे कम किस में, इलाइट के अंदर, उससे भी कम एमएमटी, एमएमटी मतलब क्या है, मॉन्ट मोरेलोनाइट, मॉन्ट मोरेलोनाइट को मैंने शॉर्ट में एमएमटी लिखने की कोशिश करी है, आप मॉन्ट मोरेलोनाइट लिख लीजिएगा पूरा, और क्लोराइट के अंदर सबसे कम, और उससे भी ज़्यादा कम हम जो देख रहे हैं वो है केओलिनाइट के अंदर। तो सीक्वेंस को एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत अच्छे से फोकस करके याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो मैक्सिमम पोटेशियम फिक्सेशन किस में होता है, वर्मिकुलाइट में होता है, ओके। तो इस तरह से हमने जाना पोटेशियम किस तरह से सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है, और साथ में हमने ये भी जाना कि पोटेशियम का फिक्सेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि क्यू आई रिलेशन क्या होता है पोटेशियम रिलेटेड, ओके। साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल फर्टिलिटी के काफ़ी सारे और टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक प्राइ बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं क्यू आई रिलेशन के बारे में, क्यू आई जिसका मतलब मैंने आपको बताया क्वांटिटी और इंटेंसिटी रिलेशन, किसका, तो हम देख रहे हैं पोटेशियम का, किसमें, तो सॉइल में। किसने दिया था सबसे पहली बात ये देखो, किसने दिया था कि नाम पे साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे जो कि है बेकेट, है ना, बेकेट। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा दिमाग में, आपसे पूछें कि क्यू आई रिलेशन ऑफ पोटेशियम, आपसे पूछे तो आप जवाब देंगे बेकेट, लेकिन आपसे पूछे कि क्यू आई रिलेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, तो आप क्या जवाब देंगे, स्कोफील्ड, स्कोफील्ड नाम याद रख लीजिएगा। अपनी नोटबुक जो आप लेके बैठे हैं, होप करता हूँ आप लेके बैठे हैं, तो उसके अंदर लिख लीजिएगा क्यू आई रिलेशन ऑफ फॉस्फोरस जो है वो किसने दिया था, स्कोफील्ड ने दिया था, लेकिन पोटेशियम का किसने दिया, बेकेट ने दिया था। मैं ऐसे याद रखता था कि बेकेट में की आ रहा है, सॉरी के आ रहा है, तो मतलब के मतलब पोटेशियम वाला है, ओके। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ये जो क्यू आई इंटेंसिटी रिलेशन जो हमने पढ़ना है उसके अंदर हमें तीन टर्म्स के बारे में बातें समझ में आनी चाहिए। तीन टर्म्स में पहली टर्म जो है वो है इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरी बात जो है वो है क्वांटिटी फैक्टर, और तीसरी बात जो है वो है बफरिंग कैपेसिटी। पहली बात पे फोकस करें जो है इंटेंसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब ये है कि मेजर ऑफ पोटेशियम, है ना, मेजर ऑफ पोटेशियम इन सॉइल सॉल्यूशन दैट इज इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स,
यानी मतलब ये हुआ कि सॉइल सॉल्यूशन में पोटेशियम कितना अवेलेबल है जो फटाफट से प्लांट को अवेलेबल हो जाए। तो कितना पोटेशियम अवेलेबल है उस चीज़ को हम कह रहे हैं इंटेंसिटी फैक्टर। याद रहेगा इंटेंसिटी मतलब फटाफट अवेलेबल होने की इंटेंसिटी को हमने बात करी है। अब इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एक्टिविटी रेशो से। किससे? एक्टिविटी रेशो से। एक्टिविटी रेशो को ए आर और के किस लिए? पोटेशियम के लिए लिखा गया है। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखते हैं जो कि है के प्लस अपॉन में कैल्शियम प्लस टू अपॉन और साथ में मैग्नीशियम प्लस टू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा रखा है ना। तो इस फॉर्मूले को तो पहले अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिएगा और साथ में ये जो एक्टिविटी रेशो है इसकी यूनिट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसकी यूनिट क्या है? तो हम देख रहे हैं मोल पर लीटर की पावर 1/2। एक्टिविटी रेशो का मतलब ये है कि भाई पोटेशियम कितना ज़्यादा सॉइल में एक्टिव है। एक्टिव है तो हम कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही हम देख सकते हैं, या हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी रेशियो जितना ज़्यादा आएगा हमारे पास उसका मतलब पोटेशियम भी उतना ही ज़्यादा अवेलेबल है सॉइल में। ठीक है ना, याद रखिएगा ए आर जितना ज़्यादा पोटेशियम भी सॉइल में उतना ज़्यादा। ओके, और इसके अंदर ये भी रिलेशन याद रखिएगा कि कैल्शियम मैग्नीशियम अगर ज़्यादा होंगे तो पोटेशियम कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्टिविटी रेशियो को भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और हम कह रहे हैं दूसरा फैक्टर जो है क्वांटिटी फैक्टर। पहला क्या समझ लिया? इंटेंसिटी फैक्टर। दूसरा क्या समझ रहे हैं? क्वांटिटी फैक्टर, जो कहता है कि नेचर ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू मेंटेन द लेवल ऑफ पोटेशियम इन द सॉइल सॉल्यूशन। क्या बोल गए भाई साहब? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करे रखने की इन द सॉइल सॉल्यूशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय अंतराल के अंदर। या लिखा है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ, या क्रॉप जब ग्रो कर रही है उस दौरान सॉइल कितना पोटेशियम मेंटेन करे रख सकती है। मेंटेन करे रख सकती है मतलब एक्सचेंजेबल वाली कंडीशन हो गई कि भाई सॉइल सॉल्यूशन में जो था वो तो प्लांट ले गया, तो फिर बाद में फटाफट से सॉइल कोलॉइड से एक्सचेंज होकर वापस आ गए, सॉइल सॉल्यूशन में कुछ मटेरियल वापस आ गया, रिप्लेनिश हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए सॉइल कोलोइड्स के ऊपर पोटेशियम लगे हुए थे, अट्रैक्टेड थे, एड्सॉर्ब्ड थे, लेकिन वो प्लांट अभी उसे नहीं ले रहा, प्लांट सॉइल सॉल्यूशन वाला पोटेशियम ले रहा है। तो जैसे ही सॉइल सॉल्यूशन में पोटेशियम हटेगा तो सॉइल कोलोइड से पोटेशियम हाथों हाथ उस सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो मतलब वापस अवेलेबल हो गया सॉइल के अंदर। तो ये जो कैपेसिटी है सॉइल की पोटेशियम को मेंटेन करे रखने की कैपेसिटी है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्वांटिटी फैक्टर। तीसरा पॉइंट, बफरिंग कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ पोटेशियम लेवल इन द सॉइल सॉल्यूशन, मतलब कैसे पोटेशियम लेवल इन द सॉइल सॉल्यूशन वेरीज विद द अमाउंट ऑफ लेबाइल फॉर्म ऑफ पोटेशियम। कैसे ये इफेक्ट हो रहा है किसके साथ? तो हम देख सकते हैं अमाउंट ऑफ पोटेशियम, कितना सारा पोटेशियम का अमाउंट है सॉइल के अंदर उससे अफेक्ट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी, मतलब प्लांट में अवेलेबल होने की इंटेंसिटी अफेक्ट हो रही है। तो इस रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं? बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग का मतलब आपने पीएच वाले चैप्टर्स के अंदर समझा है कि भाई पीएच मतलब कि भाई हम जो सॉइल की पीएच है वो उसी तरह से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो उसे बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि भाई पोटेशियम जो है कितना फटाफट से अवेलेबल हो पाए उसके लिए एक फैक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम कह रहे हैं बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये बफरिंग कैपेसिटी को हम रिलेट करते हैं क्यू अपॉन आई से, या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू अपॉन आई से। क्यू आई रेशियो जितना ज़्यादा वाइड होगा, वाइड द रेशियो मोर द बफर्ड इज द सॉइल, मतलब सॉइल उतनी ज़्यादा बफर्ड होगी, बफर्ड होगी यानी फटाफट से पोटेशियम अवेलेबल करवा पाएगी। तो इस तरह से हमने जाना क्यू आई रिलेशन किसका? पोटेशियम का। साथ में किसने दिया था? बेकेट ने दिया था। फॉस्फोरस किसने दिया था? स्कोफील्ड ने दिया था। डन है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे? तो अब नेक्स्ट स्लाइड में फटाफट से दो चीज़ें और समझ लेते हैं। पहला है लैटिस होल थ्योरी और दूसरा क्या है? वीट्स इफेक्ट, है ना। अभी जो नाम लिया था मैंने, वीट साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। तो फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज़ अगर हम देखें लैटिस होल थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये है कि लैटिस होल थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी आप पढ़ सकते हैं, पेज एंड बेवर ने दी थी। दोनों साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लैटिस होल थ्योरी पहली बात तो प्रपोज किसने की थी, तो याद रहता है हमें पेज एंड बेवर ने दी थी। ओके, कब दी थी? 1940 में। ये ईयर भले याद ना रहे लेकिन नाम जरूर याद रहने चाहिए किन्होंने दी थी। और होती क्या है कि एट एक्सपोज सरफेस ऑफ 2:1 क्लेज मिनरल, 2:1 मिनरल्स यानी आप याद होंगे आपको मॉन्टपोरलाइट, वर्मिकुलाइट्स, जिसके अंदर हम कह रहे हैं दो टेट्राहेड्रल शीट्स हैं और बीच में एक ऑक्टाहेड्रल शीट होती है, राइट। तो उसके अंदर उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट को अगर हम ले लें, है ना, 2:1 की यूनिट, एक और 2:1 की यूनिट, एक और 2:1 की यूनिट, इस तरह से अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो एक्सपोज सर्फेसिस हैं यानी ये 2:1 ये 2:1 इनके बीच के अंदर हम देखें तो इनके बीच में होता है क्या देखते हैं हम कि क्ले मिनरल ऑक्सीजन आयन फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कि ऑक्सीजन आपस में मिलकर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सागोन का मतलब आप समझते ही हैं, 6 साइड्स होती हैं जिसके अंदर, है ना, तो उसके अंदर बीच का जो गैप रह जाता है, उन 6 के बीच में जो गैप बन रहा है
उस गैप के अंदर हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर साइज का आयन फिक्स हो जाता है जाके, है ना, उसके अंदर जाके फिट हो जाता है, एक बहुत मजबूती से जुड़ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस की होल में, लैटिस मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो होल बन रहा है उसके अंदर कोई दूसरा आयन जाके फंस गया तो वो फिक्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन को बोला है लैटिस होल, और इसको समझाया गया है लैटिस होल थ्योरी के अंदर। तो इस तरह से कहा है कि फ्रॉम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड आयन्स हैविंग द सिमिलर डायमीटर विथ ऑक्सीजन, ओ जीरो नहीं है ये, ओ है, ओ का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब उसका डायमीटर होता है 2.8 एंगस्ट्रॉम, 2.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर का, जो हम देख सकते हैं कि अगर किसी और आयन का डायमीटर होता है, किसी और आयन का से याद रहते हैं जैसे कि पोटेशियम आयन, जिसका लगभग बराबर है 2.66 एंगस्ट्रॉम, और साथ में हम देखते हैं अमोनियम का भी लगभग इसी तरह से बराबर होता है। अमोनियम का मतलब आप समझते हैं NH4+, है ना, तो NH4+ और K+ दोनों के ही हम देख सकते हैं आयन का जो रेडियस होता है वो लगभग इस साइज के अंदर फिट होता है, तो वो जाके क्या होते हैं उसमें फंस जाते हैं। अगर आयन छोटा होगा तब भी नहीं फंस पाएगा, बड़ा होगा तो घुस ही नहीं पाएगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ये लैटिस होल थ्योरी के अंदर मेनली हम देखते हैं पोटेशियम जो है वो फिक्स हो जाता है एंड फिट्स इन टू द लैटिस होल एंड गेट फिक्सड, तो मतलब वो फिट होके फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से समझाया गया है पोटेशियम फिक्सेशन को किस थ्योरी से, तो हम याद रखते हैं लैटिस होल थ्योरी से, राइट। अब एक और देखते हैं इफेक्ट जो कि है द वीट्स इफेक्ट, वीट FG-Fried नाम के, FG वीट नाम के हम देख सकते हैं साइंटिस्ट के नाम पे ये इफेक्ट दिया गया है ना। तो वीट इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं स्टेट्स दैट हायर कैल्शियम कंसनट्रेशन इन द आउटर सोल्यूशन, कि बाहर की सोल्यूशन में अगर कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, किसका, याद रखिए कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तो उसे आइदर इट एनहेंस द अपटेक ऑफ पोटेशियम और रिड्यूस द लॉस ऑफ पोटेशियम, या ऐसा भी हो सकता है कि पोटेशियम का लॉस भी ना हो। और ये नोट पॉइंट लगा के लिखा है कि हाई पोटेशियम कैन डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, इसे भी याद रखें कि अगर हाई पोटेशियम होगा तो उससे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और मैग्नीशियम अगर कम हो जाता है प्लांट्स में तो उससे हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर एक डिजीज हो जाती है। ग्रासेस के अंदर हम एक डिजीज़ का नाम याद रखते हैं, आपको याद है मैग्नीशियम की कमी से जो मैग्नेसेमिया जिसको हम कह सकते हैं, मैग्नीशियम का कम होना, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ये कैटल्स के ऊपर देखी जाती है, याद आ रहा है आपको कि अगर कैटल उनकी ग्रेजिंग कर लें तो उसे क्या कहेंगे, नाम याद आ रहा है उस डिजीज़ का, याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एंड रिजल्ट्स इन द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन द क्रॉप ग्रोथ, और उससे कौन सी दिक्कत हो सकती है ग्रास को, अगर हम देख सकते हैं कैटल्स खा लेंगे ऐसी ग्रास जिसमें मैग्नीशियम नहीं है तो उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इस तरह से आज इस वीडियो के दौरान हमने पोटेशियम से रिलेटेड कुछ बातें जानी। इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो जो है उसका लिंक आपके सामने, इस वीडियो खत्म होते ही आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। इस वीडियो में मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया है मेरी कोशिश है उसकी PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोटेशियम के फंक्शंस और साथ में उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे एट द एंड रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से।